अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, विच इज़ अबाउट द लिक्विड्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, तो हम लोग पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने जो है वो सेंटीग्रेड को जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 96 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो इसका रिलेशन ये है कि हमारे पास केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273। तो हम लोग क्या करेंगे, 96 प्लस 273 कर लेंगे और इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए यही होता है सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। उसमें हम लोगों ने प्लस किया था, इसमें माइनस किया था। एक इक्वेशन आप लोग याद रख लो और बाकी फिर उसमें से आप के की वैल्यू निकालो या जिसकी वाइंड करनी हो उसके निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10 माइनस 273 माइनस 263 इसका आंसर आता है। सिंपल से सोल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोगों ने सेल्सियस को जो है वो केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल सा रिलेशन है हमारे पास के केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ पर 96 है, तो हम लोग 96 प्लस 273 कर लेंगे, बस सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आप लोगों ने केल्विन को सेल्सियस में करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला यही है कि सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने प्लस किया, यहाँ पर माइनस किया। आप एक कोई रिलेशन याद कर लो और बाकी जो है वो उसमें से जो है वो आप लोग निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 273 ये बन जाएगा माइनस 263। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि चूज़ द मोस्ट इनर्ट गैस, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। मोस्ट इनर्ट मीन मोस्ट रिएक्टिव। अब जो ज़ीनॉन है वो मोस्ट रिएक्टिव होती है, सो दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि इट इज़ द मोस्ट इनर्ट गैस। क्वेश्चन नंबर 4 है, 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैस एट 400 टॉर प्रेशर एंड 60 डिग्री टेम्परेचर है व्हेन हीटेड अंटिल द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 2000 सेंटीमीटर क्यूब, देन कहते हैं कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस बिकम्स। तो अब देखा जाए तो इसमें जो है वो चार्ल्स लॉ यूज़ कर रहा है। हमें पता है कि हमारे पास चार्ल्स लॉ के करंटली वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, एंड वी इज इक्वल टू के टी, वी अवर टी इज इक्वल टू के। इसको हम लोग वो कर लेंगे, वी वन अवर टी वन इज इक्वल टू वी टू अवर टी टू। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टी टू फाइंड करना है, ठीक है, टेम्परेचर फाइंड करना है। सो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर की इक्वेशन को जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है, और बाकी जस्ट वैल्यूज पुट करनी और आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि वन टेम्परेचर ऑफ 3000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द एन टू इज चेंज फ्राम के आई चेंज फ्राम 27 सेल्सियस टू 57 सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द 760 नैनोमीटर, ठीक है, देन द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम्स। तो इसमें भी सेम चार्ल्स लॉ यूज होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने बोला कि कॉन्स्टेंट प्रेशर, हम लोग प्रेशर कब कॉन्स्टेंट होता है, कौन से उस लॉ में कॉन्स्टेंट था, तो वो चार्ल्स लॉ में ही था, ठीक है। वही सेम इक्वेशन यूज़ करेगी हम लोग, की वी इज इक्वल टू टी, वी इज इक्वल टू के टी, ठीक है, वी ओवर टी इज इक्वल टू के, वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू। तो जस्ट हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वी टू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा वी वन ओवर टी वन मल्टीप्लाई टी टू इज इक्वल टू वी टू। जस्ट सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चैप्टर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहला टॉपिक है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। यहाँ पर एक पॉइंट है, कहते हैं कि एट कॉन्स्टेंट टेंपरेचर द एवरेज किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द किनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर्स ऑफ द लिक्विड्स। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में एक इसकी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन, जो कि प्रेशर की वजह से होती है। यहाँ पर ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि एन इंक्रीजिंग द प्रेशर फ्रॉम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर टू टू रिड्यूसेस द वॉल्यूम। प्रेशर को इंक्रीज करने, कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इतने परसेंट डिक्रीज होता है, ठीक है, एंड द सेम प्रेशर रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द गैस 50%, ठीक है। अगर हम लोग जो है वो कहते हैं कि प्रेशर को 1 to 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर करें, तो हमारे पास वाटर का वॉल्यूम 0.0045% जो है वो रिड्यूस होगा, और जो है सेम प्रेशर के साथ हमारे पास गैस का वॉल्यूम जो है वो 50% रिड्यूस होगा। मींस दैट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो गैसेस पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स। यहाँ से ये चीज़ हम लोगों ने कंक्लूड की है। तो ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने जहन में रख लेने हैं।
नेक्स्ट हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, ये अमंग द मॉलिक्यूल्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वंडर डिस्पर्शन फोर्सेज कौन सी होती हैं, ये बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं। जो फोर्सेज अमंग द मॉलिक्यूल्स होती है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं वो हमारे पास वंडर वाल फोर्सेज होती हैं। और ये जो लिजर्ड है ये वाल के साथ जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है ड्यू टू इट्स वंडर ड्यू टू द वंडर वाल फोर्सेज की वजह से ये स्ट्रिक करती है, ठीक है। और हम लोग लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज की बेस पर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्सेज हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, चाहिए अक्सर क्वेश्चन आता है हमारे पास कितनी टाइप्स है, 1 2 3 4 5, देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये एक्सरसाइज का भी एमसीक्यू है, एक ये भी देख लेना, ठीक है, ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास सब पहली चीज़ आती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, ये बेसिकली ये पोलर मॉलिक्यूल्स की फोर्सेज होती है, या ये फोर्सेज हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स के जो है वो इन बिटवीन होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl CHCl3 या H2S, इनके दरमियान हमारे पास क्या होती हैं पोलर जो है वो सॉरी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज जो है वो प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होती हैं। यहाँ पर जो है वो इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको मैं रीड नहीं कर रहा, आप इसको पॉज करके खुद जो है वो पढ़ लें। फर्दर मोजे हमारे पास जो पेट्रोल और ईथर होता है इसमें वीक डिस्पर्शन फोर्सेज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर जो है वो उसने लिखा कि हाइड्रोजन हीलियम नियॉन आर्गन क्लोरीन फ्लोरीन मीथेन एक्सेट्रा, ये नॉन पोलर है, सो इनमें हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। हम लोगों ने कंक्लूड क्या किया कि पोलर मॉलिक्यूल्स के इन बिटवीन हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है। और बाकी जो एग्जांपल्स हैं तो वो आप लोग इनको देख लें। नेक्स्ट यहाँ पर फिर उन्होंने लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज की डेफिनेशन लिखी है, तो आप वीडियो पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट टाइम इसको नेम्ड किसने दिया था, ठीक है, फ्रिट्स लंडन ने। अब हमारे पास कौन कौन से जो है वो फैक्टर्स हैं जो कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पर इफेक्ट करते हैं, देर आर 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। एक तो हमारे पास एटम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइज, अच्छा जितनी ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज होगा उतनी ज़्यादा वो हमारे पास फोर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पोलराइजेबिलिटी पर डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। यहाँ पर एक पॉइंट है कि इनर्ट गैसेस आर मोनोटॉमिक गैसेस और ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती। जब भी आप लोगों को एमसीक्यू आए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर्ट गैस या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्ट गैस, तो आप लोग इजीली जो है उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। नंबर वन किस तरह कि इनर्ट गैसेस जो होती हैं ये मोनोएटॉमिक होती हैं, ठीक है। नंबर टू ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाती, एंड नंबर थ्री ये मोस्ट रिएक्टिव गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इन दिस एंड दैट आप लोग इजीली जो है वो उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। यहाँ पर उन्होंने कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है नॉबल गैसेस के, तो ये तो याद आप लोग नहीं करोगे, लेकिन इसका ट्रेंड बनाकर अपने पास यहाँ पर लिख लोगे, ठीक है। आपको पता होगा कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, सबसे कम किसका है, तो ये चीज़ अक्सर जो है वो एमसीक्यू में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पोलराइजेबिलिटी है, तो इसकी ये उन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप इसको वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट लगा कि पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ विद इंक्रीज्ड एटॉमिक और मॉलिक्यूलर साइजेस, ठीक है। मींस दैट जब हमारे पास एटॉमिक साइज या मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर टू में कहता है कि फ्लोरीन इज अ गैस एट रूम टेम्परेचर द सेकंड मेंबर एंड क्लोरीन इज आल्सो अ गैस, ठीक है, बट इट इज मोर इजीली लिक्विफाइड देन फ्लोरीन। और ब्रोमीन कहता है कि इट इज लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड एंड रूम टेम्परेचर, ये आप लोग बताओ हमारे पास कौन सी ये सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, और कौन सा गैस है, कौन सा जल्दी लिक्विफाइड होता है। ये चीज़ें अक्सर जो है वो अक्सर इस तरह के स्टेटमेंटल जो एमसीक्यूज होते हैं उनमें आती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या विच वन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, या ऑड ऑफ द फॉलोइंग कौन सी है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें जो है वो अक्सर जो है पूछी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो जितने ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी, और जितना ज़्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल पोलर होगा तो उतनी ज़्यादा जो है वो उसकी स्ट्रेंथ होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज की। अब यहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और फिजिकल स्टेट्स दिए हुए हैं कि कौन सी लिक्विड है कौन सी गैस है, ठीक है। अब देखा जाए तो हमारे पास जो जो नंबर ऑफ जो है वो एटम्स या ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, तो और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये चीज़ आप लोग जो है वो नोट करके रखा करें अपने पास। फर्दर यहाँ पर एक पॉइंट कहता है कि मॉलिक्यूल विद अ लार्जर चेन लेंथ एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, जितनी लॉन्गेस्ट चेन होगी उसकी उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो उसमें प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने ये फर्स्ट पैराग्राफ को रीड आउट कर लेना है खुद ही। अब अक्सर जो है वो एमसीक्यू में हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, या कौन से मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, या
किस मॉलिक्यूल में जो है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट है, इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लोगों ने जो है ये एफ ओ एन जहन में रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा उस मॉलिक्यूल में होगी जिसमें इनमें फ्लोरिन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होंगे। जब भी आप लोग ये चीज़ें देखें तो आप लोग फ़ौरन जो है वो प्रेडिक्ट कर लेंगे कि हाँ जी इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड से वीक होती है, ठीक है, लेकिन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इंट्रैक्शन से ये स्ट्रॉगर होती है, ठीक है, विच आर स्ट्रॉगर देन लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब मींस दैट यहाँ से हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि सबसे स्ट्रॉगेस्ट हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, आफ्टर दैट हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, और लास्ट में हमारे पास लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज। सबसे वीक फोर्सेज कौन सी होती हैं, वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं, ठीक है, और सबसे स्ट्रॉगेस्ट कौन सी होती हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, एच टू एस मॉलिक्यूल्स कहते हैं कि अट्रैक्ट ईच अदर बाय द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, मीन्स दैट ये जो एच टू एस है इसमें हमारे पास जो है वो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, वाटर में पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वाटर में हमारे पास दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, अक्सर जो है वो एमसीक्यू में ये पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स उसकी एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पर देखा जाए कि हमारे पास आप लोगों ने इसको रीड करना है इस पहले पैराग्राफ को यहाँ तक, ठीक है, तो आप लोग ये कंक्लूड करोगे कि हमारे पास नॉन पोलर्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो यहाँ पर उसने जस्ट यही बोला हुआ है। लास्ट पे आप लोग एक और चीज़ ये भी ध्यान में रख लो, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वो कहता है कि हमारे पास लिक्विड जो है वो तीन तरह के प्रॉपर्टीज शो करता है, फर्स्ट वन हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, सेकंड है कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, और थर्ड हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है ये नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास उसके अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करती है, ठीक है, और हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ये नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहते हैं कि वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द इंटर मालिकुलर फोर्सेज वन राइज इन टेम्परेचर, मीन्स दैट जब हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं इंटर मालिकुलर फोर्सेज जो है वो डिक्रीज होती हैं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर की डेफिनेशन लिखी है जो कि आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। फर्दर वो हमारे पास जो है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट का बताता है एट डिफरेंट प्रेशर, 760 mmHg पर हमारे पास वाटर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर जो है बॉयल होगा, ठीक है, 23.7 mmHg पर जो है वो वाटर बॉयल होगा 25 डिग्री पर। यहाँ पर और भी लिखे हुए हैं 2026 पर हमारे पास ये 130 डिग्री पर जो है बॉयल होगा, और 4.6 mmHg हो तो हमारे पास वाटर 0 डिग्री पर जो है बॉयल हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ग्लिसरीन के कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स के वन है, तो इस पैराग्राफ लोगों को आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इवेपोरेशन है, तो इवेपोरेशन का ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें जस्ट उसका इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है, तो ये आप लोगों ने खुद वीडियो को पॉज करके रीड करना है। हम लोग जो है वो इसमें डायरेक्ट जो है वो इसके फैक्टर्स पर जाएंगे, ठीक है। फैक्टर्स में आप लोगों के पास फर्स्ट वन इज़ दैट कि हमारे पास जितनी ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी जल्दी जो है हमारे पास इवेपोरेशन होगी, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव लेस इवेपोरेशन, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतनी कम इवेपोरेशन होगी, ठीक है। ज़्यादा इवेपोरेशन के लिए हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वीक चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो एमसीक्यू आता है कि हमारे पास इवेपोरेशन अकर्स एट, तो वो इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, ये आप लोगों के जहन में मस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर, ठीक है, पहले एक दो लाइनों में इसका इंट्रो लिखा है तो वो आप लोग खुद पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पर वो फिर कहता है कि हमारे पास सम ऑफ द वेपर्स मॉलिक्यूल कहता है कि जब एनर्जी को लूज़ करते हैं, ठीक है, और दोबारा से वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। और हमारे पास कहता है कि जितना हमारे पास वेपर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उतना ज़्यादा हमारे पास जो है वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट फैक्टर्स पर आते हैं जो कि प्रेशर पर जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर उसने बोला कि वेपर प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड पर, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ लिक्विड पर डिपेंडिंग करता, और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फर्दर हम लोग जो है वो बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, हमारे पास वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ बात करें तो इसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर उसने वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ, तो ये आप लोग खुद देख लोगे। फर्दर यहाँ पर उसने बोला कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द इथेनॉल इज़ ग्रेटर देन
दैट ऑफ वाटर एट ऑल द टेम्परेचर्स। तो ये भी आप लोगों को मस्त बताना चाहिए। यहाँ पर जब ईथर का उसने कुछ बॉइलिंग पॉइंट दिया और इथेनॉल का दिया और वाटर का, तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पर वैसे विस्कोसिटी तो हमारे जो है वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि विंटर्स में हमारे पास ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू कोल्ड। तो ये भी आप लोगों के जहन में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एनोमस बिहेवियर ऑफ द वाटर, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास व्हेन आइस मेल्ट्स देर इज़ अबाउट 9% डिक्रीज इन द वॉल्यूम। जब आइस मेल्ट होती है तो उसका वॉल्यूम 9% डिक्रीज होता है, ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वगैरह लिक्विड स्टेट इज़ मोर डेंसर देन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड स्टेट इज़ मोर डेंसर देन सॉलिड मीन्स दैट कहते हैं कि वाटर जो है वो सॉरी लेस डेंसर देन सॉलिड, वाटर जो है वो आइस से जो है वो लेस डेंस होता है। यहाँ पर नेक्स्ट वो कहता है कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीज टू द मैक्सिमम डेंसिटी एट 3.98 सेंटीग्रेड। अच्छा, यहाँ पर इसका मतलब ये है ना कि हमारे पास वाटर इज़ मोस्ट हैवी एट, तो वो 4 डिग्री पर जो है वो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो इस पॉइंट का वो मतलब भी है, अक्सर ये MCQ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आइस इज़ लेस डेंसर देन वाटर, तो ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आए तो हमारे पास उसने वाटर की स्पेसिफिक हीट मेंशन की है, और एक और पॉइंट है, ये इस पॉइंट को भी आप लोग वीडियो पॉज करके खुद पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर उसने बेनजीन और ईथर की कुछ जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स आई थिंक मेंशन की हैं, यस बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, तो ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रख लेने हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो वो भी देख लेते हैं। हमारे पास डेंसिटी जो है वो सॉलिड्स की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, उसके बाद गैसेज क्रोमसेबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास गैसेज की ज़्यादा होती है लिक्विड और सॉलिड से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन, तो गैसेज ज़्यादा इजिली डिफ्यूज होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। किनेटिक एनर्जी हमारे पास गैसेज की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हमारे पास सॉलिड्स में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑफ द लिक्विड्स हमारे पास 10^-7 टू 10^-9 मीटर है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमारे पास 4 टाइप्स हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हमारे पास 5 टाइप्स हैं, ये अक्सर MCQ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं कि हमारे पास फ्यूजन और मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है, और हमारे पास फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, डी आयनाइजेशन, ये हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अक्सर हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक्सेप्ट, तो ये आप लोगों के जहन में मस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस में जस्ट यही टॉपिक्स है जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिए। इन दिस एंड दैट, तो आप लोगों का चैप्टर 5 यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है। इसके अलावा फर्दर आप लोगों को क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कोई सजेशंस भी हैं तो वो भी आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करें, ताकि हम लोग उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।